में भाजपा नेता सना खान की हत्या के विषय में संभ्रम की स्थिति है, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद किया गया है जो सना खान का हो सकता है, ऐसा संदेह है। लेकिन शव पूरी तरह गली अवस्था में होने के कारण सना के रिश्तेदार शव की पहचान नहीं कर पाए। अब ईडी ने जांच के माध्यम से मामले की गुत्थी सुलझाने का प्रयास जारी है। डेड बॉडी रिकवर करने का की प्रक्रिया युद्धपात्री पे शुरू है। एक संशयित डेड बॉडी कल मिली थी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में, वो प्राइमा फेसी सना खान की बॉडी है ऐसा लग रहा था, लेकिन चूंकि वो डिकम्पोज था तो रिलेटिव्स ने अभी तक उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उनकी डीएनए सैंपल बॉडी की ली गई है और डीएनए सैंपल के आधार पे वो 100% उसकी बॉडी है या नहीं ये समझ में आएगा। बाकी और भी प्रयत्न बॉडी को ट्रेस करने के जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है वो सभी एक्सप्लोर की जाए। अब वो जबलपुर पुलिस के बारे में मैं कोई उल्लेख टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि जब ये मिसिंग कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर हुई थी तो इनिशियल तपास में ये मर्डर जबलपुर में हुआ है ये बात सामने आई थी। जबलपुर पुलिस ने उस समय मर्डर का ऑफेंस नहीं रजिस्टर किया था, इसलिए हमने किडनैपिंग फॉर मर्डर का एक ऑफेंस रजिस्टर करके तपास हमने अपने हाथ में लिया था। तपास में आरोपी अरेस्ट भी किए गए हैं और अभी जो भी कॉन्स्पिरेसी इस पूरे घटना में हुई उसको अनरेवल करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील। तपास पे किसी प्रकार की कोई उसमें दिशा बदलती नहीं है, किसी की कोई भी जो भी अपनी उनकी वो विषय होंगे वो उनका जबलपुर और उनका लोकल विषय है। हमारा जहाँ तक प्रश्न है हम मर्डर विथ और किडनैपिंग का एक ऑफेंस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसके तहत जो भी कायदेशीर होगी वो काम की जाएगी।